आज हम टॉपिक कवर करेंगे आपका जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं यूटीआई। ये यूटीआई क्यों होता है, कैसे होता है, इसका साइन एंड सिम्टम क्या है, ये होने से आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे या उससे प्रिवेंट करेंगे। आप सभी को स्वागत राकेश हेल्थ टिप में। पूरा वर्ल्ड में 150 मिलियन लोग होते हैं इन्फेक्टेड हर साल में यूटीआई में। आपका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन समझते हैं पहले यूटीआई मतलब कौन कौन सा बॉडी पार्ट में होता है प्रॉब्लम। देखिए आपका शुरू होता है किडनी से, किडनी से लेके आपका यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से लेके आपका यूरेटर, आपका यूरिनरी ब्लैडर, ये सब इन्वॉल्वमेंट होता है आपका यूटीआई में। देखिए इन्फेक्शन एंड द इन्फ्लेमेशन इन दिस एरिया दिस इज कॉल्ड एज यूटीआई व यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। शुरुआत करते हैं, ये जो इन्फेक्शन है एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बैक्टीरियल जो ई कोयली है इसके वजह से आपको होता है इन्फेक्शन, या फिर किसी और भी बैक्टीरिया के वजह से ये इन्फेक्शन आपका बॉडी में आ सकता है। कैसे होता है जानते हैं, आपका जो यूज करते हैं, देखिए अगर आप बार बार मतलब अनहाइजेनिक कंडीशन में आपका यूरिनेशन या फिर टॉयलेट यूज करते हैं वहां से आपको आपका बॉडी में एंटर होता है बैक्टीरिया। शुरुआती देखिए टाइम में आपका मतलब के पास वो पहुंचता है बैक्टीरिया, वहां से होके आपका यूरिनरी ब्लैडर, वहां से होके आपका आपका जो यूरेटर है और आपका किडनी तक भी आ सकता है। अनहाइजेनिक कंडीशन में यूज किया हुआ टॉयलेट से आपको होता है इन्फेक्शन। कुछ कॉमन कारण, कुछ कॉमन गलतियां हम करते हैं जिसके वजह से आपको बार बार होता है यूटीआई। एज कम्पेयर टू मेल्स फीमेल में ज्यादा होने का चांसेस है, क्योंकि वहां का यहाँ वहां का जो आपका यूरेथ्रा है वो छोटा होने के वजह से आपको बार बार फीमेल्स में देखा जाता है आपका इन्फेक्शन। पानी का कम पीना मतलब कम इंटेक ऑफ वाटर, पब्लिक का टॉयलेट यूज करना, अनहाइजेनिक कंडीशन में टॉयलेट या यूरिनेशन यूज करना, फिर आपका जो क्या होता है फिर नहीं तो आपका इन्फेक्शन, यह वजह से आपको बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है। आपका जो यू कोलाई बैक्टीरिया है ये बॉडी में एंटर होने के बाद वहां पे ग्रोथ करने के बाद आपको होता है इन्फेक्शन। अगर आप पानी ज्यादा पी रहे हैं या फिर आप हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं तो फिर चांसेस होता है बहुत कम। बात करते हैं कुछ साइन एंड सिम्टम। एक होता है आपका जब भी आप यूरिन का इन्फेक्शन होता है, यूरिन करने के टाइम पे आपको होता है बहुत जोर से पेन होता है, या फिर आपका बर्निंग सेंसेशन, आप यूरिन करने के टाइम पे बहुत जोर से जलन होता है, नहीं तो फिर कभी कभी आधा आधा यूरिन जाके फिर रुक जाता है, मतलब फ्रिक्वेंट होता है यूरिनेशन, नहीं तो फिर कभी कभी नोजिया वोमिटिंग, कभी कभी बुखार आता है, आपका पेट में दर्द होता है, कभी कभार आपका लोअर मतलब आपका लोअर पार्ट में एब्डोमेन में बहुत जोर से पेन होने की वजह से आप इसको बोल सकते हैं कि आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हुआ है। बात करेंगे कुछ मेडिकेशन का। देखिए आपका जो भी इन्फेक्शन हुआ है, आपका मान लीजिए कि यूरेटर हो, यूरेथ्रा है, फिर यूरिनरी ब्लैडर में, उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए आप देखिए आप एक यूज करेंगे एंटीबायोटिक का। एंटीबायोटिक में आपका देखिए आपका सबसे बेहतर और सबसे अच्छा है आपका नाइट्रोफेरेंटोइन, दिन में दो बार लेने से ठीक हो सकता है। आप यूज करेंगे डाइहाइड्रोजन सोडियम साइट्रेट जो लिक्विड रहता है, काफी ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल है, अल्कासोल है, काफी ब्रांड्स यूटिलाइजर है। यह देखिए 10 ml लेंगे एक हाफ ग्लास वाटर में मिला के, इसको दिन में 3 बार लेने से आपका जो पीएच का लेवल बढ़ने के वजह से आपका जो फ्लशर हो जाएगा, जितना भी बैक्टीरिया वहां पे प्रेजेंट है ये आपका निकल जाएगा। कभी कभी कैनबेरी का जूस लेने से या फिर कुछ कैनबेरी का मेडिकेशन लेने से, टेबलेट्स मार्केट में अवेलेबल है, लेने से आपका देखिए कैनबेरी क्या करेगा, आपका जो यूरिनरी ब्लैडर में ना देखिए जब भी बैक्टीरिया वहां पे एंटर होता है वहां पे देखिए उसको मतलब आपका ब्लैडर से होके अंदर घुसना पड़ता है, लेकिन अगर कैनबेरी लेने से क्या होता है वहां का जो ब्लैडर है वो हो जाता है स्मूथ, ताकि मतलब एंट्री नहीं हो पाता है आपका बैक्टीरिया का, वो लेने से ठीक हो जाता है। आपका देखिए फ्लाबोक्सेट है, ये एक एंटीस्पाज्मोटिक है, ये देखिए काफी ब्रांड्स इसका भी अवेलेबल है, ये लेने से दिन में 3 बार आपका भी काफी दर से ये ठीक हो सकता है। आपका नाइट्रोफेरेंटोइन बेस्ट मेडिसिन है, सेफालोस्पोरिन एंटीबायोटिक आप ले सकते हैं। आप देखिए बैक्टीरियम डीएक्स, ये काफी मतलब असरदार है ये कंडीशन में, इसको भी ले सकते हैं। आपका जो फ्लोरोक्विनोलोन से ये भी ले सकते हैं, दिन में 2 बार कोई भी देखिए फ्लोरोक्विनोलोन ग्रुप में ड्रग आप ले सकते हैं, यह लेने से आपका जो इन्फेक्शन हुआ है ये भी ठीक हो सकता है। लेकिन प्रिवेंटेशन
मेडिकेशन हो गया। देखिए दो तरह का होता है, एक होता है कॉम्प्लिकेशन और एक होता है नॉन कॉम्प्लिकेशन। देखिए कॉम्प्लिकेशन मतलब किसी को डायबिटिक है या फिर आपका बॉडी में कुछ ज्यादा मतलब स्टोन है कि कुछ अदर प्रॉब्लम है। देखिए अगर कॉम्प्लिकेशन है तो फिर आपको देखिए कल्चर करना पड़ेगा। कल्चर करने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कौन सा ड्रग आपका सफेक्ट है कि किसके वजह से आपको हुआ इन्फेक्शन, इसको आपको देखना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप यंग है, आप ठीक है, कोई इश्यू नहीं, पहला बार आपको इन्फेक्शन हुआ है, तो आप यूरिन का नॉर्मल से टेस्ट करके देख सकते हैं कितना भी आपका पोस्टल वहां पे, तो उसी आधार पे आप उसको मेडिकेशन दे सकते हैं। देखिए ज्यादातर क्या होता है आपका मेल्स या फीमेल्स यंग एज में होता है, कभी कभी आफ्टर सेक्स होने के बाद आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, बिफोर सेक्स या आफ्टर सेक्स आप उसको देखिए, आप यूरिनेशन कर सकते हैं, आप वॉश कर सकते हैं, आप मतलब जितना हाइजीन मेंटेन रखेंगे आपके लिए उतना बेहतरीन है। ज्यादा पानी पिएंगे, प्रिवेंटेशन में एक ही देखिए, आप देखिए ज्यादा इंटेक ऑफ वाटर आपका जो इन्फेक्शन को कम करा सकता है, आपका जो भी ग्रोथ हो रहा है बैक्टीरिया का उससे ठीक हो सकता है। आप जहां पे भी टॉयलेट यूज कर रहे हैं ध्यान देंगे वो पूरा हाइजीन हो, वहां पे इन्फेक्शन ना हो, और ध्यान दे कि जहां पे आप पब्लिक टॉयलेट में जा रहे हैं वहां मतलब देखिए अगर गंदगी है तो आप वहां मत जाए, क्योंकि बार बार इन्फेक्शन होना प्रॉब्लम हो सकता है आपको आगे जाके, या फिर बार बार इन्फेक्शन में लीड टू आपको किडनी में भी प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए राकेश हेल्थ टिप की तरफ से आप सबको दिल से धन्यवाद।